बड़ी खबर के साथ, पंजाब सरकार ने बाढ़ रोकथाम के लिए 130 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। आगामी मानसून सीजन से पहले काम करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर को बाढ़ रोकथाम कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन की निकासी और सफाई करने के आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोनों की निकासी और सफाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब सरकार ने बाढ़ रोकथाम के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आगामी मानसून सीजन से पहले काम करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नरों को बाढ़ रोकथाम कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी, जिस तरह से आदेश आया है और मानसून से पहले कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, एक बड़ा फैसला है, क्योंकि पंजाब पांच महानदियों का एक इलाका है जहां पर जो मानसून के दौरान है हालात काफी खराब हो जाते हैं। अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो अमूमन ये मान के चले कि 50% जो पंजाब होता है वो बारिश, जो बाढ़ है, बाढ़ या भारी बारिश की चपेट में आ जाता है। तो इसके मद्देनजर आज जो है चंडीगढ़ में वर्चुअली पंजाब जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड है उसकी एक बैठक हुई थी। उस बैठक के तहत सभी को, जिस तरीके जुलाई में जो मानसून पहले हफ्ते में पंजाब हरियाणा जो दस्तक दे जाता है, तो उसके मद्देनजर 130 करोड़ रुपए की जो ये राशि जो है वो दिए, ताकि इससे पहले जितने भी अरेंजमेंट बाढ़ की वो किए जा सके, शहरों में अगर सीवरेज सिस्टम है तो उसकी सफाई की जाए, जो ड्रेनेज वगैरह है ग्रामीण इलाकों में जो ड्रेनेज है, या कहीं पर बारिश मतलब बारिश के दौरान ज्यादा जो है जल भराव होता है, तो इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए जो है सरकार ने फैसला लिया। इसके अलावा पंजाब में जो जो महानदियां हैं, ब्यास नदी है या सतलुज नदी, इन नदियों के आसपास भी जो कई इलाकों में पानी का भराव हो जाता है, वो लंबे समय तक जल भराव रहता है, जिसके कारण वहां पर किसान जो है फसलों की पैदावार नहीं ले पाते। तो इसके मद्देनजर जो आज जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें ये फैसला लिया गया है। जी, फैसला ले लिया गया है ओपी शर्मा जी, लेकिन बात की जाए इसको जमीन पर कैसे उतारा जाए, उसके लिए कोई खाका तैयार किया गया है? देखिए, इसके लिए जो जितने भी पंजाब का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और वाटर रिसोर्समेंट मैनेजमेंट है, ये दोनों विभाग और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर काम जगह की चिन्हित करेंगी, कहाँ कहाँ पानी का भराव होता है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी उसकी निकासी का प्रबंध करेगा, और जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि इस पानी का अगर हम प्रॉपरली रिचार्ज कर सकते हैं, किसी दूसरे इलाके में पहुंचा सकते हैं, तो इसका एक पूरा जो है वो डमी तैयार करके, और इसके अलावा यदि शहरों में ज्यादा हालात बिगड़ते हैं तो डिप्टी कमिश्नर्स को भी जो है 10 करोड़ रुपए तक की अचानक खर्च की जो है वो सीमा दे दी गई है। जी ओपी शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।